हेलो दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग क्लास 10th साइंस के मॉडल पेपर सेट 2 के फर्स्ट पार्ट को देखने वाले हैं। सेकेंड पार्ट का वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहां से देख लीजिएगा। चलिए फटाफट क्वेश्चन को शुरू करते हैं। अगर आप सेट मॉडल पेपर को अच्छे से याद कर लेते हो ना, तो एग्जाम में इससे क्वेश्चन लड़ते हैं। तो हम लोग का पहला क्वेश्चन है, किस दर्पण का फोकस दूरी ऋणात्मक लिया जाता है, यानी कौन सा दर्पण है जिसका फोकस दूरी ऋणात्मक लिया जाता है, तो वह अवतल दर्पण है। कौन सा? अवतल दर्पण का फोकस दूरी ऋणात्मक होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो आप। अगला है, लेंस की फोकस दूरी एफ और वक्रता त्रिज्या आर में संबंध, यानी एफ और आर में क्या रिलेशन है, क्या संबंध है? तो यह होता है एफ बराबर आर बाई टू, यानी त्रिज्या आधी होती है। फोकस दूरी जो है ना, फोकस दूरी के आधी होती है त्रिज्या। ठीक है, अगला देखो। अगला है, निम्न में किस माध्यम का अपवर्तनांक अधिक है, यानी किस माध्यम का अपवर्तनांक सबसे ज्यादा होता है? तो हीरे का अपवर्तनांक सबसे ज्यादा होता है, 2.42 होता है। क्या होता है? 2.42। अगला क्वेश्चन है, समान दृष्टि के लिए सुस्पष्ट दृष्टि की अल्पतम दूरी, यानी कि न्यूनतम दूरी कितनी है? न्यूनतम दूरी 25 cm है। कितना है? 25 cm। अधिकतम दूरी पूछ दे तो कहिएगा अनंत। क्या हो जाएगा? अनंत हो जाएगा। अधिकतम अनंत और न्यूनतम 25 सेमी। अगला क्वेश्चन, श्वेत प्रकाश का कौन सा रंग यहां पे होना चाहिए? संघ लिखा गया, रंग वर्ण किसी प्रिज्म से गुजरने के पश्चात सबसे कम झुकता है, यानी प्रिज्म से जब गुजारते हैं तो सबसे कम कौन झुकता है? तो वह सबसे कम झुकता है यहां पे लाल होगा। देखिए इसका आंसर गलत है, ए, इसका लाल होगा आंसर। क्या हो जाएगा? लाल सबसे कम झुकता है। ठीक है, और सबसे ज्यादा कौन झुकता है? तो सबसे ज्यादा बैंगनी झुकता है। ठीक है, तो सबसे ज्यादा कौन झुकता है? बैंगनी, या सबसे कम झुकता है? लाल। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, एक और बात, प्रिज्म में जो है ना वो 5 सतहों से घिरा होता है। कितने सतहों से? 5 सतहों से घिरा होता है। अगला क्वेश्चन है, निकट दृष्टि की को किस लेंस के उपयोग द्वारा संशोधित किया जाता है, मतलब ठीक किया जाता है, और किसी व्यक्ति को निकट दृष्टि दोष हो जाए तो उसे कौन सा लेंस लगा के ठीक कर सकते हैं? अवतल लेंस। कौन सा लेंस? अवतल लेंस लगा देंगे, वो ठीक हो जाएगा। ठीक है ना, वो भी चश्मे के रूप में लगाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, विद्युत प्रतिरोधकता निर्भर करती है, यानी प्रतिरोध किन बातों पे निर्भर करती है? तो देखिए, अगर चालक की लंबाई बढ़ जाएगा तो भी निर्भर करेगी, यानी कि अगर तार आप काफी ज्यादा बड़ा कर दोगे तो प्रतिरोध बढ़ जाएगा। अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल, यानी अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल पे भी प्रतिरोध बढ़ जाता है। चालक पदार्थ की प्रवृत्ति, अगर आप अच्छे क्वालिटी के तार नहीं लेते हो ना, तब भी प्रतिरोध बढ़ जाएगा, यानी इनमें से सभी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी पर। अगला क्वेश्चन है, अगला है, निम्नलिखित में किस लेंस को अभिसारी लेंस कहते हैं? अभिसारी लेंस किस लेंस को कहते हैं? तो उत्तल लेंस को अभिसारी कहते हैं। उत्तल को क्या कहते हैं? अभिसारी। और अवतल को अपसारी कहते हैं। अवतल को क्या कहते हैं? अपसारी। अगला क्वेश्चन है, प्रतिरोध का सूत्र, प्रतिरोध का सूत्र क्या होता है? तो देखिए, प्रतिरोध का सूत्र इनमें से कोई नहीं दिया ही नहीं है। ठीक है ना, होता है आई इंटू आर स्क्वायर होता है, तो दिया ही नहीं है। अगला देखो क्या होता है। अगला क्वेश्चन है 10 नंबर, निम्न में कौन सा कथन सत्य है, सही कौन सा भैया? तो आंसर देखो इसका क्या है, हरे हरे विद्युत रोधन वाला तार प्राय विद्युन्मय तार होता है, यानी कि जो हरे रंग का जो तार होता है ना, वो विद्युन्मय तार होता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। आप चारों पढ़ो, ये हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, 11 नंबर, फ्लेमिंग के वाम हस्त नियम में बाएं हाथ का मध्यमा संकेत करता है, बाया हाथ क्या बताता है? फ्लेमिंग के वाम हस्त में, यानी बाया हाथ हमें क्या बताता है? बाया हाथ का मध्यमा क्या बताता है? यह बताता है चालक में प्रवाहित विद्युत धारा की दिशा, यानी धारा की दिशा को बताता है। क्या बताता है? धारा की दिशा को। अगला क्वेश्चन है, चुंबक के भीतर चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की दिशा क्या होती है? इसकी रेखाओं की दिशा आखिर होती क्या है? तो यह होती आपकी दक्षिण ध्रुव से उत्तरी ध्रुव की ओर, किधर? दक्षिण से उत्तर की ओर होती है। अगला क्वेश्चन है, नाभिकीय ऊर्जा का स्रोत निम्न में कौन सा है? नाभिकीय ऊर्जा का स्रोत कौन सा है? तो वह है यूरेनियम। क्या है? यूरेनियम। अगर आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दूंगा, और ये जो मैं क्वेश्चन पढ़ा रहा हूं इसका पीडीएफ भी आपको वहीं पे मिल जाएगा। ठीक है,
तो आपकी इच्छा हो तो वो दोनों आप व्हाट्सएप ग्रुप से ज्वाइन हो जाइए और इसका पीडीएफ डाउनलोड कर लीजिए। अगला क्वेश्चन है, अगला है, निम्न में से किस लेंस की फोकस दूरी धनात्मक होती है? फोकस दूरी धनात्मक किसकी होगी भैया? उत्तल लेंस की धनात्मक होगी। क्या होगी? उत्तल लेंस की धनात्मक होगी। अगला देखिए, अगला है, किस लेंस का उपयोग दीर्घ दृष्टि दोष को दूर करने के लिए किया जाता है, यानी संशोधित करने के लिए किया जाता है? तो दूर को दूर करने के लिए, दूर दृष्टि दोष को दूर करने के लिए उत्तल लेंस। कौन सा लेंस? उत्तल लेंस। अगला प्रश्न है, दाढ़ी बनाने के लिए कौन सा दर्पण प्रयुक्त होता है, यानी इस्तेमाल में लाया जाता है? दाढ़ी बनाने के लिए कौन से दर्पण का इस्तेमाल में लाते हैं? तो यह लाते हैं हम लोग अवतल दर्पण। कौन सा? अवतल दर्पण। अगला है, श्वेत प्रकाश का वर्ण क्रम, यानी कि रंग, रंगों का क्रम पूरा वर्ण क्रम, किस रंग के किरण का विचलन अधिक होता है? सबसे ज्यादा विचलित कौन होता है? अपने राह से कौन भटक जाता है? भैया बैगनी भटक जाता है। और सबसे कम भटकता है आपका लाल, सबसे ज्यादा भटकता है बैगनी। अगला क्वेश्चन है, समतल दर्पण की फोकस दूरी होती है, समतल दर्पण की फोकस दूरी क्या होती है? अनंत होती है। समतल की फोकस दूरी अनंत होती है। अगला प्रश्न, अवतल दर्पण के सामने वस्तु को कहां रखा जाए ताकि प्रतिबिंब उल्टा, वास्तविक और समान आकार का बन जाए? समान बोला है ना, जब भी कहे ना कि एकदम सेम साइज का बने तो वक्रता केंद्र पर रखता है। क्या किस पर रखता है? वक्रता केंद्र पर रखेंगे तो सेम साइज का बने, यानी जितना वस्तु का हाइट होगा उतना ही प्रतिबिंब का भी हाइट होगा, ठीक है, तो वक्रता केंद्र पे। अगला क्वेश्चन है, तारे के टिमटिमाने का कारण, तारा हमें टिमटिमाता हुआ दरअसल वो नजर आता है, ठीक है ना, वो टिमटिमाता है नहीं, नजर आता हमें, जिसका कारण क्या है? अपवर्तन, यानी कहिएगा वायुमंडलीय अपवर्तन। क्या? वायुमंडलीय अपवर्तन। अगला है, मानव नेत्र के लिए दृष्टि का अस्थायित्व तो होता है, यानी कि मानव नेत्र कितने समय में किसी व्यक्ति का पिक्चर लेके अपने ब्रेन के दृष्टि पटल पे बना लेगा, कितने समय पे बना लेगा? तो वो होगा आपका 1/16, दसवां दिया है क्या? 1/16 सेकेंड होगा, ठीक है, ये इसमें आंसर गलत है, 1/16 सेकेंड में ये क्या कर लेगा? बना लेगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला है, उत्तल दर्पण से बना काल्पनिक प्रतिबिंब होता है, काल्पनिक प्रतिबिंब कैसा होता है? तो देखिए, काल्पनिक जब भी कहे तो सीधा बनता है, वास्तविक कहेगा तो उल्टा बनेगा, और काल्पनिक बोल दे तो सीधा बनेगा। क्या बनेगा? सीधा। अगला क्वेश्चन है, उत्तल लेंस का आवर्धन m बराबर होता है, उत्तल सॉरी अवतल लिखा है, अवतल लेंस का आवर्धन m बराबर होता है, क्या होता है भैया? v/u होता है। क्या होता है? v/u। अब देखो पीडीएफ में क्या होता है ना कि कभी कभी मिस्टेक हो जाता है, तो आप वीडियो को देख करके जाओगे ना और फिर क्वेश्चन आंसर याद करोगे, बहुत ही बेहतर होगा, ठीक है। तो मैं तो आपको यही सजेस्ट करूंगा कि पहले वीडियो एक बार देख लो, उसके बाद लेकर के पीडीएफ याद करो। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्न में कौन सा पदार्थ लेंस के लिए प्रयुक्त नहीं किया जा सकता, यानी लेंस बनाने में किसका इस्तेमाल नहीं किया जा सकता है? जल से भैया लेंस बना सकते हैं, कांच से 100% बनेगा, पीतल से आप कुछ भी कर लो लेंस नहीं बना सकते हो, जिसका हो जाएगा पीतल, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन संख्या प्रकाश के अपवर्तन नियम के लिए सही है? यानी देखिए दरअसल ये पूछ रहा है ना, प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम है, थोड़ा सा क्वेश्चन अजीब ढंग से क्रिएट करता है ताकि बच्चा कंफ्यूज हो जाए। प्रकाश के अपवर्तन के भैया कितने नियम है आप जानते हो? दो है, तो वही तो बच्चे पूछा है आपसे, दो है, कितने हैं? दो है। अगला क्वेश्चन है, किसी वस्तु का प्रतिबिंब आंख के जिस भाग पे बनता है, हमारे आंख में कहां पे किसी वस्तु का फोटो बनता है, प्रतिबिंब बनता है? तो भैया यह रेटिना पे बनता है या फिर दृष्टि पटल पे बनता है? दृष्टि पटल का नाम क्या है? रेटिना। रेटिना कहो या फिर दृष्टि पटल कहो। अगला प्रश्न देखो क्या है, हमारे घरों में जो विद्युत आपूर्ति की जाती है, हमारे घर में कितना आता है भैया धारा, यानी विद्युत धारा, एसी कितना आता है? एसी आता है 220 वोल्ट दृष्ट धारा है, ये ना होगा हो, यानी हमारे घरों में एसी करंट कौन कितना आता है एसी? तो देखिए यह आता है 220 वोल्ट प्रत्यावर्ती धारा, प्रत्यावर्ती धारा को बोलते हैं एसी, यानी अल्टरनेट करंट। क्या बोलता है? अल्टरनेट करंट। और ये 220 आता है, कितना? 220 वोल्ट आता है। और पूछते 50 हर्ट्ज होता है, 220 वोल्ट और 50 Hz हर्ट्ज होता है, ठीक है, ये दोनों आप याद रखो। अगला क्वेश्चन है, कली चूना का रासायनिक सूत्र क्या होता है? कली चूना का रासायनिक सूत्र क्या होता है? CaO।
क्या होता है सी ए ओ, ऑप्शन नंबर ए। अगर मैं पूछूं संगमरमर का सूत्र क्या होता है तो सी ए सी ओ थ्री, क्या होता है सी ए सी ओ थ्री। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो आप। अगला है जल के विद्युत अपघटन में कैथोड पर कौन सा मुक्त होता है, कैथोड पे क्या मुक्त होता है भैया, तो कैथोड पे मुक्त होता है आपका ऑक्सीजन। क्या होता है कैथोड पे मुक्त होता है ऑक्सीजन। आप एक बात बताओ कैथोड को प्लस बोलते हैं या फिर माइनस बोलते हैं, आप कमेंट में इसका आंसर बताना। ठीक है, मुझे पता भी तो चले कि आप सच में अच्छे से तैयारी कर रहे हो कि नहीं करते हो। अगला क्वेश्चन को देखते हैं। अगला है बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र है, बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र क्या होता है, NaHCO3, क्या होता है NaHCO3। अगला क्वेश्चन है इस वीडियो में हम लोग 40 ऑब्जेक्टिव को देखने वाले हैं, इसके सेकेंड पार्ट में 40 देख लेंगे तो सेट टू कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए कौन सा पदार्थ नीले लिटमस पत्र को लाल कर देगा, नीला को लाल कौन करेगा, तो देखिए नीला को लाल करेगा अम्ल, क्या करता है नीले को लाल कर देता है, नीले लिटमस पत्र को लाल कर देगा अम्ल, क्षार जस्ट उल्टा करता है, क्षार क्या करेगा लालवा को नीला कर देगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो आप। अगला है मिल्क ऑफ मैग्नीशियम का पीएच मान, भैया 10.5 होता है, मिल्क ऑफ मैग्नीशियम का पीएच मान क्या होता है 10.5। अगर मैं पूछूं ये क्या है अम्ल या क्षार है, तो आप कहोगे क्षार है। क्यों कहोगे क्षार है भैया, क्योंकि इसका पीएच मान 7 से ज्यादा है, 7 से ज्यादा यानी कि क्षार, एकदम 7 यानी कि उदासीन, और 7 से कम यानी कि अम्ल। आप जानते हो ये सही बातें। अगला क्वेश्चन है निम्न में कौन सा अधातु चमकीला है, तो ये कौन सा चमकीला है आयोडीन, कौन आयोडीन चमकीला है, इसका संकेत क्या होता है तो आई होता है, क्या होता है आई होता है, और आयोडीन की कमी से कौन सा रोग होता है पता है ना आपको, घेघा रोग हो जाता है। कौन सा रोग हो जाता है घेघा रोग हो जाता है, आपको पता होना चाहिए आयोडीन की कमी से कौन सा रोग होता है घेघा रोग। और मैं आपसे पूछूं कि आयोडीन का संकेत क्या होता है तो आप कहोगे आई। ठीक, लेकिन ये कितने नंबर पे आता है, तो ये बेचारा आता है 50 नंबर पे, यानी मैं पूछूं कि इसकी परमाणु संख्या क्या है तो आप याद रखिएगा 50 है। आगे देखो आप, अगला प्रश्न है निम्न में कौन सा धातु अत्यधिक अभिक्रियाशील है, यानी सबसे ज्यादा रिएक्शन रिएक्टेड कौन सा धातु है, तो देखिए यह है आपका सोडियम, सोडियम सबसे ज्यादा क्या अभिक्रियाशील है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा अभिक्रियाशील है। अगला प्रश्न ऑक्सीजन परमाणु के ब्राह्मतम कक्षा में, यानी ऑक्सीजन 8 पे आता है, कितना पे आता है 8 पे, पहला कक्षा को के बोलता है दूसरा को एल बोलता है, तो देखिए पहला में तो 2 इलेक्ट्रॉन और दूसरा में कितना हो गया 6, 6, 2, 8, तो वही बच्चे बोला है कि ऑक्सीजन, यहां पर देखो क्वेश्चन पहले पूछो तो पढ़ लो, ऑक्सीजन के ऑक्सीजन परमाणु के ब्राह्मतम कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होगी, यानी बाहर कितना हो जाएगा 6 होगा, अभी आपने निकाला क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा। आगे देखिए आप, अगला है ब्यूटेनॉन एक कार्बनिक यौगिक है जिसका प्रक्रियात्मक समूह, इसका प्रक्रियात्मक समूह क्या हो जाएगा कीटोन होता है, क्या होता है कीटोन, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न देखिए, अगला है संचार कोएलाइड किस धातु का अयस्क है, यहां पे धातु होना चाहिए, धातु का अयस्क है या एल्युमिनियम का है या किसका है एल्युमिनियम का है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए आप, अगला है एल्कीन का सामान्य सूत्र, एल्कीन का सामान्य सूत्र क्या होता है CnH2n होता है, क्या होता है CnH2n होता है। ठीक है, आगे देखो आप, अगला प्रश्न है आधुनिक आवर्त सारणी में आवर्तों यहां पहुंचे, आवरों दे दिया है, ठीक है ना, ये थोड़ा सा मिस्टेक हो गया लिखते समय, आवर्तों की संख्या है तो आवर्तों की संख्या क्या होती है 7 होती है, आधुनिक आवर्त सारणी में आवर्तों की संख्या क्या होती है 7 होती है, आप पूछे वर्गों की संख्या कितनी होती है तो वर्गों की संख्या 18 होती है। अगला क्वेश्चन है यानी अंतिम नंबर क्वेश्चन है और इसका सेकंड पार्ट का वीडियो मैं डिस्क्रिप्शन उसका लिंक दे दूंगा, आप वहां से देख लीजिएगा। ठीक है, और उसके बाद आप पीडीएफ पढ़ोगे तो अच्छा लगेगा, दरअसल कुछ कंफ्यूजन हो जाता है ना, तो यहां पे मैं क्लियर कर देता हूं। ठीक है, तो आप पहले वीडियो देखो उसके बाद क्वेश्चन आंसर याद करो, आपकी मर्जी। और मेरे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ना है तो वहां पे नंबर दिख रहा है कोना पे, हाय लिख के भेजो मैं जोड़ दूंगा, या फिर डायरेक्ट आप डिस्क्रिप्शन में जाओ और वहां से जुड़ जाओ। ठीक है, तो देखिए अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है समूह में ऊपर से नीचे की ओर जाने पर परमाणु का आकार में क्या परिवर्तन होता है, इसके आकार में क्या चेंजिंग होता है, तो परमाणु का साइज बढ़ता जाता है, यानी जैसे जैसे नीचे से ऊपर जाएगा तो परमाणु साइज क्या हो जाएगा बढ़ जाएगा, और इसका क्या हो जाता है बढ़ जाता है। तो ऐसे वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए, मिलते हैं अगले वीडियो में 6:30 बजे शाम को। ठीक है, ऑल द बेस्ट, टेक केयर।